हेलो दोस्तों, राम राम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुलाब जामुन की रेसिपी। पिछले 8-10 दिनों में 8-10 बार हमने गुलाब जामुन बनाए हैं, जिसमें 5-6 बार हमने खराब किए हैं। उसके बाद में हम बनाना सीखे हैं। जो जो कमियां रही है गुलाब जामुन बनाने में, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने से आप एकदम अच्छी तरह से गुलाब जामुन बनाना सीख जाएंगे। आपको इतनी बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने जो सामान लिए है, ये देखिए, 1 किलो मावा है जो हमने घर पे बनाया है। मावा दोस्तों आप घर पे बना हुआ ही ले या मार्केट से अगर लाएं तो आप बोल के लाएं कि भाई हमें गुलाब जामुन के लिए मावा चाहिए। एकदम ऐसे चिकना चिकना मावा होना चाहिए। कई बार मार्केट में पीड़े हुए दूध का भी मावा आ जाता है। ये हमने 2 बार बनाया था, जिसमें एक बार का तो देखिए, एक बार का थोड़ा सा टाइट हो गया। ये टाइट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा। इससे बात इतनी सी है कि मावे के अंदर क्या है, चिकनाई होनी चाहिए, एकदम प्योर दूध का होना चाहिए मावा। 1 किलो मावे के अंदर 200 ग्राम मैदा लिया है। ये दोस्तों आप 200 ग्राम भी ले सकते हैं, 150 ग्राम भी ले सकते हैं, 250 ग्राम भी ले सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात कोई बात नहीं है। जब गुलाब जामुन नहीं बनते तो नॉर्मली हम इन चीजों पर दोष देते हैं कि भाई हमने मैदा 50 ग्राम कम डाला, 50 ग्राम ज्यादा डाला, इसलिए खराब हो गए। खराब होने के जो कारण है वो हम आपको बाद में साथ साथ में बताएंगे। तो 1 किलो के अंदर ये 200 ग्राम मैदा लिया। 1 किलो मावे के अंदर 2 किलो चीनी ली है, मतलब जितना मावा है उससे दुगनी चीनी। और कोई भी बर्तन में चीनी डाल के देखना है, जितनी चीनी आए उतना ही पानी लेना है, एकदम बराबर। और ये घी लिया है गुलाब जामुन को तलने के लिए। और ये थोड़े से बादाम लिए हैं, कुछ गुलाब जामुन है उसके अंदर हम ऐसे डेकोरेट करेंगे, मतलब बीच में डालेंगे और फिर गोल गोल बनाएंगे। अब दोस्तों कुछ लोग जो है वो इनके अंदर सूजी लेते हैं, तो आप सूजी भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100-200 ग्राम आप सूजी लेंगे तो सूजी भी ले सकते हैं, मावे की मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं, तो भी गुलाब जामुन बन जाएंगे। ये सारी चीजें मिलाना और इनकी मात्रा लेना कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत कम ज्यादा ले लेंगे, कर देंगे, तो भी गुलाब जामुन में कमी नहीं रहेगी। कमी कहाँ पर रहेगी दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आगे जैसे जैसे कमी वाला पॉइंट आएगा वहां हम आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस मावे को लेने के बाद में सबसे पहले मावे को थोड़ा कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने से ये सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट मावा ही चाहिए दोस्तों, ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं है। घर पे बनाया था, थोड़ा थोड़ा लग भी गया था। दानेदार मावा है तो इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए कद्दूकस करेंगे। मावा ज्यादा टाइट नहीं लेना है, ये ऐसे दिख रहा है ना, थोड़ा ऐसे गीला ही होना चाहिए, क्योंकि ये मैदा मिलेगा तो और ज्यादा ये टाइट हो जाएगा। तो ज्यादा टाइट होगा तो फिर गुलाब जामुन में ये मैदा मिलाएंगे तो और ज्यादा टाइट हो जाएगा, फिर अच्छे नहीं बनेंगे। और अगर टाइट कभी हो भी जाए तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा लगा करके नॉर्मल कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों मसल ना रगड़ना है, जिससे कि थोड़ा बारीक हो जाए। ये पूरे मावे को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें मैदा मिलाएंगे। टाइट हो तो इसमें हल्का सा ऐसे पानी का छींटा देना है, ज्यादा नहीं देना है। मावे को 10 मिनट तक ऐसे ही मसल मसल के एकदम सॉफ्ट करना है। हाँ बेटा, हाँ गुलाब जामुन बना बेटा, खासी के हैं? खासी गुलाब जामुन खासी हैं? पिंक गुलाब जामुन खासी। हम लोग हंसेंगे कि लड़कियों के सबसे ज्यादा कलर वाला चीनी नाके बनाओ, सोना बनाओगे। बना
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये थोड़ा सा ऐसे तोड़ के गोला बना के देखना है, एकदम सॉफ्ट गोला बन जाएगा तो आटा एकदम तैयार है। ये देखो एकदम सॉफ्ट बन रहा है, मतलब आटा एकदम सही है। देखिए दोस्तों, इस गोले के कहीं पर भी कोई भी ज्यादा फटी हुई धारियां वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम चिकना ही है। और हाथ भी ऐसे घी से चिकने हो रहे बना रहे हैं। तो अब इसको रखना है थोड़ी देर, 20 मिनट तक इसको ढक के रखना है। तब तक हम चाशनी बना लें। ये चीनी वैसे तो नापी हुई 2 किलो है, लेकिन बर्तन में डाल के देख रही हूँ ये कितनी है। जितनी चीनी होगी उतना ही पानी डालना है। इतनी हो रही है तो इतना ही इसमें पानी डालना है। हमने गुलाब जामुन बनाए थे 2-3 दिन पहले, अब इस ये तो रह गए, बाकी तो हमने फेंक दिए या फिर गाय भैंस को तो नहीं दिए। इसमें कमी देखो क्या है, ये ऐसे पिचक गए। दिखा ना, एक मिनट नजदीक से दिखा, ये देखो पिचका हुआ, घुमा के दिखा, ये देखो, ये कई साइड से चारों ओर से ऐसे पिचके हुए। शुरू शुरू में ये गोल थे, अभी मैं ये बता दूं आपको कि पिचके क्यों, क्योंकि चाशनी जो है वो ज्यादा टाइट रह गई थी। टाइट रह गई तो क्या हुआ कि गुलाब जामुन ने तो खींची चाशनी को कि भाई आजा मेरे अंदर, लेकिन चाशनी अंदर गई नहीं क्योंकि चाशनी थी टाइट, इसलिए गुलाब जामुन की जो बाहरी परत थी वो खुद ही अंदर चली गई और वो पिचक गया। तो अगर आपके इस तरह की समस्या हो तो आप समझ जाना आपकी चाशनी जो टाइट रह गई है। तो इसलिए दोस्तों अभी जो हम बता रहे हैं आपको, चाशनी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, अगर परफेक्ट होगी तो आपके गुलाब जामुन के अंदर जरूर जाएगी। इसको ज्यादा देर नहीं रखना है, एक उबाल आना चाहिए और उसके बाद में देखेंगे। ये घी के अंदर से निकाले थे तब एकदम गोल गोल थे, चाशनी में डालते ही पिचक गए। इसमें उबाल आ गया है और उबाल आने के बाद में आप इसे चेक जरूर करें, करीब 10 से 12 मिनट हुए हैं। अब दोस्तों इस चाशनी को चेक कर रहे हैं, बस अब हो गई दोस्तों। आप हाथ के ऊपर इस तरह से फैला के और ट्राई करें, आपके हाथ में चपचपाहट आएगी, कान के पास में लगाएंगे तो भी आपके हाथ में चपचपाहट जाएगी। ऐसे आंगली और अंगूठे को ऐसे करेंगे तो ऐसे आपस में चपकेंगे, चप 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 चप, कोई तार वार नहीं बनेंगे, चपड़ा चपड़ा है बस, ऐसे समझ लीजिए। तो ये चाशनी तैयार हो गई है, एकदम सही है दोस्तों। 10 से 12 मिनट लगी है चाशनी बनाने में, 15 मिनट मान लीजिए बस इतना ही टाइम लगा है, डिपेंड करता है उबाल आने में कितना समय लगता है, उबाल आने के बाद में 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लिया। एकदम पतली पतली है, और अब गुलाब जामुन बनाने के लिए बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आज हम गुलाब जामुन किस खुशी में बना रहे हैं, श्याम बिहारी स्वामी के क्वारंटाइन के आज जो है 15 दिन पूरे हो गए हैं, इसके कोई जुखाम वगैरह नहीं है हमारे घर के किसी सदस्य के, नहीं है, एकदम ठीक हो गए, एकदम सही है। तो इस खुशी में गुलाब जामुन बना रहे हैं, तो आज के जितने भी गुलाब जामुन है इसको डेडिकेट हम करते हैं। खा लेगा
बहुत ज्यादा हो जाएंगे मेरे साथ। ज्यादा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम बंटवा लेंगे। करीब एक किलो से ज्यादा है कि घी? कितना? डेढ़ किलो। डेढ़ किलो घी लिए दोस्तों, थोड़ा घी और डाल रहे हैं, ये डिपेंड। दो किलो घी डाल दिया, एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी कढ़ाई के ऊपर। अब हमारी कढ़ाई बड़ी है ना, तो इसमें ज्यादा लग रहा है। आपका घी कम से कम इतना होना चाहिए कि एक गुलाब जामुन डूबने के बाद में आधा गुलाब जामुन ऊपर सीधी जगह भी रह जाए, मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुलाब जामुन जब बनाते हैं तो चाशनी वाली कमी तो आपको बता दी कि भाई जाडी नहीं रखनी है आपको, जाडी अगर रह गई तो पिचक जाएंगे। अब देखिए तलते समय आपको एकदम धीमांच रखना, एकदम। अभी देखिए इसमें घी डाले हुए मुश्किल से एक दो मिनट हुए, थोड़ी सी कुटी हुई इलायची है चाशनी में डाल दे, गुलाब जामुन में खुशबू आ जाएगी इलायची की। दोस्तों अब गुलाब जामुन के लिए देखिए आँच हमने नहीं लगाया, हल्का सा है, और मुश्किल से 3-4 मिनट हुए हैं घी को चढ़ाए हुए। सबसे बड़ी गलती जो नए लोग होते हैं हमारी तरह, वो अब हम नए नहीं रहे, वैसे पुराने हो गए हैं, लेकिन नए लोग जो होते हैं सबसे बड़ी गलती यही होती है और उसकी खुन्नस निकलती है कि भाई हमने सामान बराबर नहीं लिया। एक गुलाब जामुन डालते हैं, एकदम सही है ये, एकदम मतलब सही है। अभी घी ये हल्के बबल सारे, अगर डालते अचानक से झाग आते हैं तो तेल ज्यादा गर्म होता है घी या तेल। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे आंच में घी चढ़ाए हुए मुश्किल से 3-4 मिनट हुए और ये बबल आने लग गए। आप शुरू से ट्राई कर लें एकदम ठंडे घी में, जब भी बबल आने शुरू हो जाए आप समझ लें तैयार हो गया। अब नॉर्मली ये कच्चा तेल लग सकता है, हम कोई बड़े वगैरह बनाते हैं तो इसको हम कच्चा बोलते हैं, लेकिन गुलाब जामुन के लिए ऐसा ही सही है। इनको सिकाने का टाइम जो है वो कम से कम 12 से 15 मिनट है, आंच ज्यादा में ही है। अब देखिए नीचे है ना, एकदम कम कर देता हूँ गैस के ऊपर, तो सीधा हम कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये गुलाब जामुन के लिए परफेक्ट है। आंच लगाया ही नहीं हमने घी चढ़ाने के बाद में, घी है ये तेल नहीं है, वैसे हम घी भी निकाल रहे हैं, आप तेल भी निकाल सकते हैं। एक साइड में आप फटाफट गोले बनाने का काम शुरू कर सकते हैं और ये गोले बनते रहेंगे। अब देख लीजिए डिफरेंस, देखिए डालते ही बबल आ रहे हैं, क्योंकि मावा जो होता है वो सॉफ्ट ऑलरेडी होता है, उसको ज्यादा खतरनाक गरम तेल नहीं चाहिए, एकदम ऐसा ही चाहिए। तेल नहीं ये घी है मेरे, बार बार तेल कह रहा हूँ। इसको है ना थोड़ा थोड़ा इस तरह से हिलाएंगे, गुलाब जामुन को खुद को टच नहीं करना है, ऐसे कढ़ाई को हिला के इनको हिलाना है, नहीं तो एक जगह ये लग जाएंगे। और डालते ही थोड़ा सा तुरंत ही हिला देना है। हिल गए ना सारे? हाँ, हिल गए। धुआं हो गया इसलिए थोड़ा सा आंच लगा रहे हैं नीचे, यही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर इसमें ना जबरदस्त उबलते हुए खोलते हुए घी के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा पता है, गुलाब जामुन ऊपर से इस तरह से सख्त नहीं होंगे, ऊपर से एकदम कलर आ जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं, फिर वो चाशनी में डालते ही ऊपर से उसकी वो ऊपर वाली जो गुलाब जामुन की स्किन है वो उतर जाएगी और वो चाशनी में घूमने लगेगी। कम से कम 12 से 15 मिनट तक इसी तरह से इनको पकाएंगे। अगर आपने ये सोच लिया या वेट नहीं किया कि भाई 15 मिनट कौन वेट करे, 12 मिनट कौन वेट करे, तो आपके गुलाब जामुन जो है ऊपर से सख्त नहीं होंगे। फिर गुलाब जामुन को पहले ऐसे एकदम टाइट हाथ से लेना है और फिर एकदम हल्के हल्के हाथ से। करीब 6 से 7 मिनट हो गए हैं, अब देखिए इस तरह से दिख रहे हैं।
ये पहली बार का ये दोस्तों, करीब 8 से 9 मिनट हो गए हैं, धीमे आंच के ऊपर इसी तरह से चल रहे हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है वही मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप एकदम धीमे आंच के ऊपर सेकेंगे, गिन करके 12 से 15 मिनट, और अगर आपके 12 से 15 मिनट से पहले ये काले हो जाएं तो समझ लेना आपने तेज आंच पे सिखा लिए। और इनको बीच बीच में ऐसे पलटते रहना नहीं, एक साइड से ज्यादा सिक जाएंगे। अरे गुलाब जामुन ऐसे देखे होंगे दोस्तों जिनके अंदर या तो काजू है या बादाम है या इलायची है, तो वो क्या है कि आप ये इनको थोड़ा सा लें, अंदर डालें इस तरह से और फिर गोल बना लें, बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं और खाने में स्वाद लगते हैं और अंदर चाशनी यहाँ तक जाती है, जहाँ तक ये कुछ भी डाला हुआ वहां तक मीठा हो जाता है अच्छी तरीके से। हो गए? हाँ, हो गए। करीब दोस्तों 12 मिनट हो गई है या 13 भी हो गई होगी। ये निकाल के जब चाशनी में डालना है तो चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, नहीं तो इसके अंदर नहीं जाएगी। एक सेकंड चाशनी चेक करते हैं। चाशनी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर जैसे आप उंगली डुबाएंगे आसानी से आप इस तरह से रख सकते हैं। हल्की गर्म तो है ही, गर्म तो रखनी ही है, लेकिन इस तरह से बार बार आप उंगली डुबा सकें, बस ऐसी। चाशनी को ठंडा करते करते ये थोड़े से ज्यादा काले हो गए। कोई दिक्कत नहीं ऐसे। दोस्तों इनको जैसी चाशनी में आप डालेंगे तो करना कुछ नहीं है, बस डाल के और छोड़ देना है। ये क्या होगा, धीरे 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 नीचे बैठते जाएंगे इनमें चाशनी, जैसे जैसे भरती जाएगी। अब नेक्स्ट निकालते हैं, इस बार ज्यादा निकालेंगे। सुमन भी आ गई है हाथ बंटाने के लिए, आपके घर में जितने भी लोग हो ना उन सबको रख लें अगर ज्यादा गुलाब जामुन बना रहे हो तो। सही है, कभी भी बनाए तो सबसे पहले एक डाल के ट्राई करना है। बबल उठ रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा गर्म है, थोड़ा ज्यादा गर्म है ये दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा गर्म है तो इसलिए थोड़ा और ठंडा होने देंगे इसको। दोस्तों अब जो है वो एक साथ डालेंगे इतने सारे के सारे। सही है, एकदम घी। दोस्तों ये फूल गए, इसमें सोडा वोडा कुछ नहीं डाला है। ऊपर आ जाते सोडा डालेंगे, हाँ सोडे वाली बात भी बता दें कि सोडा अगर डालेंगे तो ये और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। सोडे से फूल तो जाएंगे लेकिन चाशनी में डालते एक ऐसे ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी शक्ति नहीं रहेगी तो वैसे अब अच्छा नहीं लगेगा बाद में, इसलिए सोडा वोडा कुछ भी नहीं डालना है। दोस्तों 15-16 मिनट हो गए हैं और हल्का इस तरह का आंच अभी दिया है, शुरू में कम था। पहले वाले देखिए डूब गए, आपको वैसे ही पता चल रहा है, पुराने जो थे वो डूब गए अच्छी तरीके से, और ये नए हैं ये ऊपर तैर रहे, धीरे धीरे ये भी डूब जाएंगे। जैसे जैसे भरेंगे वैसे वैसे डूबते जाएंगे चाशनी में। आप देखिए ये पुराना है, ये पुराना है, ये सब नए हैं, ये पुराना है, ये पुराना है, ये हमने जो अभी बनाए एकदम जैसे शादियों में बनाते हैं वैसे बन गए। शादियों में दुकान पर वाओ बहुत अच्छा, ये हाथ में क्या चीज है, ये फेलियर, फेलियर फर्स्ट, फेलियर टू, ये क्या चीज है, ये गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। देखिए फेलियर फर्स्ट, फेलियर टू, ऐसे ही 10 फेलियर के बाद 11वां सक्सेस मिला है।
तो एक बार सीधी सीधी होती है, एक बार में कोई सक्सेस नहीं होता। हर एक सक्सेस के पीछे बहुत सारे फेलियर होते हैं जो किसी को नहीं दिखते। दिखते नहीं, ये तो नहीं, नहीं ये तो हमने दिखा दिए थे लेकिन वो दिखाने लायक थे ही नहीं, इसलिए हमने नहीं दिखाए। तो भाई ने दो दिन पहले यही वाला कांड किया था, तो तब मैं बोला था भाई तेरे से तो ना हो पाएगा, तू तो नहीं कर पाएगा, तू तो कोशिश करते करते सातवीं बार या आठवीं बार चल रहा है तुम्हारा। फिर भाई ने भी बोला नहीं मैं करके दिखाऊंगा, जब तक अच्छे गुलाब जामुन नहीं बनाऊंगा मैं लगा रहूंगा। तो ये भाई और भाभी बस लगे रहे लगे, आज इन्होंने बना भी दिए। इससे पहले दो और निकाल दिए अच्छे अच्छे, दो बार हमने अच्छे अच्छे बना लिए, फिर हमने सोचा अब अच्छे बनने लगे तब फिर वीडियो बनाया। दोस्तों ये कल हमने बनाए थे, अभी फ्रिज में से मैं लेके आया हूँ, एकदम ठंडे ठंडे हैं। श्यामा दो तीन दिन से हंस रहा था हमारे पे गुलाब जामुन बनाने पे, लेकिन लास्ट में बना ही लिए। अब बताओ कैसे? अच्छा एकदम सही है, कोई कमी नहीं है। हमने इतनी बार ट्राई की तो बहुत ज्यादा नहीं बनाए, थोड़े थोड़े बना के ट्राई किए हैं। हाँ, 10-10 गुलाब जामुन बनाए थे। तो हमने जिंदगी में क्या सीखा? गुलाब जामुन बनाने। हो गए लास्ट वाले? ये चैलेंज है दोस्तों, अगर आपको अगर नहीं बनाने आते हैं तो आप भी बनाना सीखें, एक बार सीख जाएंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन दो तीन बार ट्राई कर ले और फिर भी नहीं बने तो बहुत बुरा लगता है। हार नहीं माननी है, सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने पॉइंट बता दिए बस दो ही, एक चाशनी और एक सिखाते टाइम देखिए, ऊपर सीख रहे हैं नीचे आंच देखिए, आप खुद देख लीजिए थोड़ा थोड़ा लगा। आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमारी जितनी हमने कर ली और हमने आपको बता दिया। और एक मावा आप खुद बना के काम में ले, बस तीन ही पॉइंट है। दोस्तों गुलाब जामुन तो बना लिए और अब रोटी बनाई जा रही है, क्योंकि चूल्हे में खूब सारी आंच और रखी थी तो खीरो में फटाफट रोटियां बन जाएगी। गर्मी तो बहुत ज्यादा है लेकिन फटाफट बन जाएगी। और गुलाब जामुन हमने करीब दो तीन घंटे के लिए, तीन घंटे के लिए रख दिए। शाम हो गई दोस्तों, अब सुबह बनाए थे हमने, फ्रिज में भी रख लिए गुलाब जामुन। अच्छा गुलाब ये है गुलाब की जैसा जामुन, ये बड़े गुलाब जामुन, बड़ी वैरायटी। ये थोड़े से ब्लैक गुलाब जामुन और साइज में बड़े गुलाब जामुन, बड़े थे इसलिए ज्यादा पकाए। और ये गुलाब जामुन है, ये जो सॉफ्ट वाला मावा था ना, ये सॉफ्ट मावे के है, तो ये ऊपर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। आपको सारा डिफरेंस पता चल गया। ये दानेदार मावा था उसका है, तो ये इसके ऊपर से थोड़े दाने दाने से दिख रहे हैं। ठीक है, अब दो गुलाब जामुन इसमें से डालो जो मिक्स है, इसमें दानेदार और सॉफ्ट हमने मिक्स कर दिया था घर पे बना रहे थे दोस्तों, अब जिस तरह से मावा अवेलेबल हुआ उसी तरह से हमने बनाए। अब खाने में क्या फर्क? एकदम अच्छे है खाने में, मैंने खा के देख ली। खा के देख ली? हाँ। ठीक, चेक करो। अब बारी बारी से सब चेक करके बताओ कैसे बने। कल मेरे को इतने घटिया गुलाब जामुन खिलाए, मैंने आधा फेंका भी था। हाँ। और इतने जबरदस्त वाले इन्होंने कल फेंका था, आज नहीं फेंकेगा, शानदार है, जबरदस्त भाई। हाँ सुमा बताए कौन? बड़ो जोरदार है। जोरदार है जो है वही बताना भाई, गलत मत बताना देना। ये देखो अच्छा, इनमें कोई फर्क नजर आ रहा है? ये वाले है ना, इसमें चाशनी बहुत अच्छे से गई है। ये काले होने तक पकाए थे मैंने, थोड़े ज्यादा पकाए ना, ये थोड़े काले हो गए और ये थोड़े वाइट है। इसमें क्या, ये खा के बताओ एक बार। ये ना ज्यादा बढ़िया, ये ज्यादा बढ़िया। और ये वाले दो गुलाब जामुन में खाई गया। अच्छा ये बताओ, ये बड़ा टोपिया हमने बनाया था दोस्तों आज पूरे वीडियो में, यही दोनों में सेम ही है, ये और ये सेम। अच्छा मतलब कल वाले थे वो थोड़े से वो है। जबरदस्त है ये, जबरदस्त है क्योंकि इसमें देखो चाशनी पूरी तरह से बैठी हुई है। ये देखो इसमें भी अभी उठा रही है, सुमा बोल रही है जबरदस्त खा ले बेटा खा ले।
मस्त है। एकदम एकदम जैसे शादी में होती है ना, एकदम वैसे लग रही है। कोई कमी तो नहीं रहेगी? बड़ा जोर का सियान दे। अजीब खड़े खाली बेटे, खाली आप ही खाली। ये गुलाब जामुन थे श्याम बिहारी स्वामी के बाहर निकलने की खुशी में। वाह। और जल्दी श्याम बिहारी स्वामी जो है वो क्या काम करता है, ऐप डेवलपमेंट का काम करता है, तो ऐप रिलीज करने वाला है, वो हम आपको बताएंगे। अच्छा सा टाइम देख के, अच्छी सी ऐप, अच्छा सा मुहूर्त देख के, हाँ तो वो आपको बताएंगे कौन सी ऐप है, क्या काम करता है, कितने स्वादिष्ट हैं, आप इस थाली से पता लगा सकते हैं। हमने खत्म कर दिए 10 गुलाब जामुन खा गए इतनी जल्दी। दो मैंने और डाले थे एक्स्ट्रा।